हे दोस्तों, देश की नंबर वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपडेट लेके आया हूं इस वीडियो में। जामिया मिलिया इस्लामिया का अपडेट्स लेके आया हूं इस वीडियो में। एग्जाम से रिलेटेड न्यूज होगा, न्यूज खबर आ रही कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो वो कैसे एग्जाम्स होंगे पूरा डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी भी है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो दोस्तों, अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, क्योंकि इसमें जॉब्स भी है और इसमें एग्जाम्स के भी बारे में बातें हैं। तो सबसे पहले जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया में। जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है। जॉब भी करिए, पढ़ाई भी कीजिए। तो होता यूं है कि जैसे स्कूल में और कॉलेज में हॉस्टल्स होते हैं बच्चों को रहने के लिए, उसी तरह टीचरों का भी हॉस्टल होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आईआईटीज एनआईटीज में रहने के लिए। तो बहुत अच्छा टाउनशिप होता है और दिल्ली में रहने का मिल जाए टाउनशिप अच्छा सा, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी पतली पतली गलियां हैं जहां पे एयर का सफोकेशन होता है, हवा भी सही से नहीं लगती है और एयर पॉल्यूशन इतने हैं दिल्ली में। तो इस केस में जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप टीचर बनते हैं तो आपका फायदा यह है कि हॉस्टल मिलेगा रहने के लिए और क्वालिफिकेशंस भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट एक जरूरत है, ये ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है। देखिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। और 12वीं वालों के लिए भी एक जॉब निकला हुआ है लैब टेक्नीशियंस के लिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट में पास आउट हो गया, मतलब 12वीं कर चुके हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लैब टेक्नीशियंस बन सकते हैं और सैलरी आपको जो भी गवर्नमेंट्स का स्टैंडर्ड सैलरी होती है वो आपको मिलेगा। तो ग्रेजुएशंस और इंटरमीडिएट दोनों वालों के लिए जॉब है। इसके अलावा और भी जॉब है। देखिए, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया का ये जो है 2 नवंबर को लोकल एडवर्टीजमेंट निकला है, ये है गेस्ट टीचर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो 67,000 पर मंथ, यानी 67,000 एक महीने का है। गेस्ट टीचर की भी एक वैकेंसी है, उसमें 1,000 रुपया पर पीरियड मिलेंगे, मतलब 1 घंटे का 1,000 रुपया मिलेंगे और मैक्सिमम 50,000 एक महीने का सीलिंग्स रखा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटल में ये जॉब निकली हुई है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, किसी में पीएचडी भी चाहिए। ये पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये एडवर्टीजमेंट डाल दूंगा। तो 12वीं के लिए भी मैं जॉब बता दिया हूं, ग्रेजुएशन के लिए भी, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए, यानी चारों टाइप्स के जॉब बता दिया जो कि जामिया में अभी निकली हुई है। और दिल्ली में मौका मिलेगा जॉब करने के लिए तो आपका पढ़ाई भी आगे रहेगा, आपके बच्चे भी आगे रहेंगे, आने वाले फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होगा। क्योंकि बड़े शहरों में जाएंगे तो लोग गांव में कहते हैं कि पढ़े बच्चे तो पढ़ाइए, नहीं तो शहर में बसाइए। तो शहर में बसने से बहुत सारे फायदे हैं। अब जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जाम्स का अपडेट लेके आए हूं। ये एग्जाम का न्यूज पूरे आप देख सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो अपडेट्स है वो एग्जाम से आ गया है। इसमें क्या क्या डिटेल्स है, देखिए, कोरोना महामारी की वजह से जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वो दिसंबर में इसी महीने में ऑनलाइन मोड में लेगी। लेकिन ऑनलाइन मोड में भी 2-3 मोड है। पहले क्या होता था, किताब खोल के लिखना होता था, लेकिन अभी प्रोक्टर्ड मेथड है, प्रोक्टर्ड मेथड। तो आप अगर जामिया में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये मेथड जान लीजिए, क्योंकि कोरोना इतना जल्दी से जाने वाला है नहीं, क्योंकि आपका भी एग्जाम्स इसी टाइप से हो सकते हैं। तो यूजेस टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर यूजर कंप्यूटर्स वेबकैम एंड ऑडियो टू चेक अनफेयरमेंस, यानी प्रोक्टर मोड में यह होगा कि आपका मॉनिटर का वेबकैम यूज किया जाएगा और ऑडियो जो माइक है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं आपका आवाज के साथ कोई बगल में तो कोई नहीं बैठा हुआ है। तो ये है प्रोक्टर मोड। मतलब पहले ओपन बुक होता था, किताब खोल के जो मर्जी है लिख दीजिए, मतलब बिल्कुल चीटिंग फ्री था ऑनलाइन में। लेकिन अभी जामिया मिलिया इस्लामिया चीटिंग को रोकने के लिए प्रोक्टर मेथड यूज कर रही। तो ये मेथड बहुत जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को बताया था कि स्टूडेंट जान लीजिए, आपके कंप्यूटर में वेबकैम या ऑडियो के लिए माइक तो जरूर होता है, तो उस केस में आपकी आवाज पकड़ी जाएगी, तो कोई आपके जगह एग्जाम दे रहा है तो वो पकड़ा जाएगा या जाएगी। तो डिसीजन लिया गया है, नजमा अख्तर साहब ने लिया है। और दिल्ली में और अदर स्टेट्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोरोना के महामारी की वजह से घर पे जा चुके हैं, तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता, तो उनको वहां से घर से आना पड़ता। इसलिए यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जो बच्चे, क्योंकि फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी, पार्शियली खुली थी, तो बहुत सारे बच्चे अभी आए भी नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि घर पे बैठे हुए एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑनलाइन सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा, लेकिन इसमें कैमरा और माइक का गेम होगा, प्रॉपर मोड होगा, यानी इसमें चीटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। बच्चों का सही में टैलेंट चेक किया जाएगा। तो स्टूडेंट को क्या होगा कि पहले आपको प्रोवाइडेड शेड्यूल बिफोर हैंड, यानी शेड्यूल अभी प्रोवाइड किया जाएगा कि इस महीने में किस कोर्स का कब एग्जाम्स होगा। दे वुड हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ देयर कंप्यूटर्स, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, राइट इट विदाउट यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद बिना चीटिंग किए हुए आपको क्वेश्चन लिखना होगा, उसके बाद सेंड करना होगा स्कैनिंग करके, और या उसको फोटो भी खींच के, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसको आंसर लिखना होगा, आंसर लिख के फोटो खींच के भेजने होंगे। तो जामिया में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मेथड जान लीजिए, क्योंकि आने वाले जमाने में हर चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो हो सकता है कुछ एग्जाम्स ऑनलाइन इसी टाइप से होने लगे। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रार्स नाजिम हुसैन जाफरी ने साहब ने कहा कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैन बी कंडक्टेड इन 3 वेज, सच एज
एक सेंटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है, यानी आपको अगर किसी को पटना में घर है तो पटना के आसपास एग्जाम हो जाए, किसी के जम्मू कश्मीर में घर है तो वहीं पे एग्जाम हो जाए, किसी का हैदराबाद घर है वहीं एग्जाम हो जाए, किसी का मध्य प्रदेश में यूपी में घर है वहीं पे हो जाए। तो पहला तो ये मेथड था, दूसरा ओपन बुक किताब खोल के लिख सकते हैं, तीसरा है प्रोक्टर्ड वे। तो जामिया जो फॉलो करेगी वो प्रोक्टर वे मेथड फॉलो करेगी। वी फाउंड दैट प्रोक्टर्ड वे वुड बी मोस्ट फिजिबल एज इट वुड हेल्प टू चेक अगेंस्ट अनफेयर मींस। देयर विल बी कैमराज विच हेल्प अस डिटरमिन इफ स्टूडेंट आर लुकिंग हेयर एंड देयर फॉर हेल्प। कैमरा होगा, इधर उधर करोगे तो पकड़े जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रोक्टर्ड वे में जामिया मिलिया इस्लामिया एग्जाम ले रही है। Decision is likely to bring relief to the student who had been concerned over the fate of their papers following the November 26 notification that said exams would be held from December 29 without any other details. एक notice थी कि 26 से exam होगा, 29 से exam होगा, तो बच्चे घबराए हुए थे कि कैसे exam होगा, क्या हमें जाना पड़ेगा, train का ticket करवाना पड़ेगा, bus से जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा इस कोरोना महामारी में, क्योंकि अब कोरोना बढ़ रहा है और दिल्ली में बिल्कुल स्पाइक्स हो रही है। तो उस केस में अभी बहुत रिलीफ मिल गया है सारे स्टूडेंट के, घर बैठे ऑनलाइन सेमेस्टर का एग्जाम होगा और आप लोग आराम से पहले से तैयारी करके रखिए, क्योंकि 29 से एग्जाम्स होगा तो ज्यादा दूर नहीं है एग्जामिनेशन। तो ये थी जामिया मिलिया इस्लामिया का अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, कैसे एग्जाम्स होगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मैंने बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल एडवर्टीजमेंट होगा, वहां पे जाके आप अप्लाई करके कर लीजिएगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। मिलता है अगली वीडियो में, हमें रह ज्ञान के फिर मिलेंगे, चलते चलते तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।